क्योंकि दोस्तों आज है रक्षाबंधन, तो मैं अभी जा रहा हूँ दीदी के पास महादेवपुर पर रक्षा। तो ये रहा दीदी के लिए गिफ्ट मैंने जो फ्लिपकार्ट से मंगा दिया था। के साथ साथ देखो 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 रेडी। नमस्कार दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पे। मैं हूं आपका दोस्त आनंदास। और अभी बज रहे करीबन सुबह के 7:20 और अभी हम लोग निकल रहे हैं महादेवपुर जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज है रक्षाबंधन, तो मैं अभी जा रहा हूं दीदी के पास महादेवपुर पर राखी बांधने के लिए। तो अभी रेडी हो चुका है और यहाँ पे इतने सामान है सब हम लोग रेडी कर चुके हैं। इसको भी ले लेते हैं और यहाँ पे चार्जर और ये दीदी का गिफ्ट, ये पावर बैंक सब ले लेते हैं, चाबी और दो चीज़ें जो लेना बाकी है। वो दो चीज़ें दोस्तों लेने के लिए जो कि है आपका हेलमेट और चश्मा, ठीक है। तो पहले ये सब हम डाल देते हैं अपने स्कूटी पर, मतलब अपने पैर धनों पर। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया और वापस भी घूम के आना है मुझे। तो एक मिनट इसको हम लोग डाल लेते हैं। तो ये रहा दीदी के लिए गिफ्ट मैंने जो फ्लिपकार्ट से मंगा दिया था। तो कवर तो इतना अच्छा नहीं है, वो फ्लिपकार्ट के पैकेट पे आया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक ऐसे वाला कवर में डाल दिया ताकि देखने के लिए अच्छा लगे, ठीक है। तो बस हो गया, ये है दीदी का गिफ्ट। और गिफ्ट तो मुझे कुछ देना नहीं आता, फिर भी मैंने सोचा ये दे दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अभी हेलमेट लगा लेते हैं, ठीक है। हेलमेट और चश्मा ले लेते हैं और अभी हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि मुझे वापस भी आना है, ड्यूटी है जो कट का, ठीक है। देखिए अब तक निकला नहीं और पसीना बीत चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी दोस्तों अभी हम लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं और पहुँचते हैं महादेवपुर में और आप सबसे हम लोग मिलते हैं बीच सर, ठीक है। तो अभी क्लियर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नमसाए। और देखिए यहाँ का सड़क तो इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब ख़राब नहीं, ये रास्ता रिपेयरिंग कर रहा है और ये यहाँ पर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और हम लोग ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला पा रहे। देखिए करीबन हम लोग 30 के आसपास ही चल रहे हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा स्पीड चला नहीं पा रहा है। स्कूटी जो एक तरफ खींच जाता है जिसके कारण से हम यहाँ पर बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग दीदी के घर, यहाँ से थोड़ा ही आगे है दीदी का घर। तो लेकिन यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे कितना अच्छा से यहाँ पे खेती लगाया गया, धान का खेती देख के कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये रहा, ये कलवर्ट क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाएंगे और दीदी का घर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये पहला वाला नहीं, ये दूसरा वाला है, ये वाला घर जो है दीदी का घर। तो हम लोग पहुँच गए, ये रहा हीरो और अरे खुशी भी है, ये हीरो और ये खुशी और ये खुशी। थैंक यू, वेलकम। ये हीरो देखो 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 देखिए दोस्तों, हीरो आने के साथ साथ देखो 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 क्या हो गया मामा हाथ में कहाँ। ओ भाल हो भाल भाल बॉय बॉय कहाँ गया मम्मी। हेलो तू निकले मम्मी के लिए। ये हो गया दोस्तों, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर पर, दीदी के घर पर करीबन एक घंटे के बाद। अरे लाला ऑर्डर रख दो, ऑर्डर दो, ऑर्डर दो अभी दो। मानो हेलो। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, लल्ला सो रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे मोबाइल को रख देते हैं, ठीक है। आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, अभी बाय। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं और हाँ दीदी ये रहा रेडी। तो मैं यहाँ पर अभी बैठ जाऊँगा, अभी दीदी मुझे राखी बांधेगी।
दोस्तों दीदी ने मुझे राखी बांधी और ये दीदी का गिफ्ट जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। पैकेट ना सिले मैं बैलक पैकेट और ढली लो। थैंक यू सो मच मेरा रक्षाबंधन का गिफ्ट। क्या क्या लगे ठीक है दुनिया भले से ना तू के भाभी की ने मान ली सुरो मैचिंग ना हाय थैंक यू सो मच वेलकम। तो अभी मानू और खुशी भी लल्ला को बांधेगा। ये देखो लल्ला को पे पे पे। तो ठीक है अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं और मानू और खुशी के लिए वेट करते हैं। खुशी बांध रही है लल्ला को। ए लल्ला हाँ चल कर हाँ उल्टा कर अगर कमती है ही अगर दो हाथ से दो अच्छा से बैठो अच्छा से बैठो लल्ला किनका साइज है ना लल्लर फास राखी ना तक दामी वाला लगे टिकी लगा এ উল্টা হাত পা খুয়াইছে এটু এনেকা খুয়াইছে এটু হাত পা খুয়া হ্যাঁ হ্যাঁ এই গোল রাখি হই গোল যা 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 খাড়া হ যা ওসরা ভাই দিবি মন ভালো হয়ে যায় মনে যাও हो गया लल्ला का राखी बंद के हो गया लल्ला सा लल्ला हो गई दोस्तों यहाँ पे राखी बंद कर और अभी खा लेते हैं उसके बाद हम गली जल निकल जाएंगे ठीक है बिगले बाबा मेरे लिए ठंडे तो दोस्तों यहाँ पे राखी बंद के हो चुका है तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाय बाय लल्ला बाय बाय लल्ला बाय बाय टाटा लल्ला टाटा टाटा टाटा। तो ये रहा अपना हेलमेट टाटा किसी अरे बदतमीज लड़की से किस लोगे मामा से नहीं लोगे। ये रहा अपना चाबी तो चाबी ले लेते हैं तेरा हेलमेट और मेरे साथ खुशी भी जा रही है चलो चलो तो चलिए ओए बिल्ली चलिए दोस्तों निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग बैठ चुके हैं अपने स्कूटी पर अपने पैर धनों पर और इधर पे लल्ला मानू और हीरो और दीदी बाय बाय लल्ला बाय बाय मानू का तो हालत खराब हो गया। तो मानू को देखिए बेचारा मानू स्कूल छुट्टी उनसे जाएगा ठीक है ओके मानू बहुत ही दुखी होते हुए अभी हम लोग चला जा रहा है नहीं तो मानू रो देंगे मानू टाटा भी नहीं दे रहा है लल्ला का कान दर्द हो गया सुन सुन के ठीक है दोस्तों चलिए हम लोग निकलते हैं और मिलते हैं हम लोग आगे आपसे अभी के लिए बाय बाय। तो दोस्तों यहीं पे हो चुका है अभी अभी समय रात के 8:30 और अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं और मैं दीदी के घर से सीधा मैं चला गया जॉब कार्ड के लिए और जॉब कार्ड से सीधा मैं चला गया आपका ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो जिसकी वजह से मुझे देर हो गया तो मैं वीडियो भी इतना शूट नहीं कर पाया। तो अभी हम लोग ट्यूशन ख़त्म करके अभी घर पहुंच चुके हैं
तो बस एक वीडियो था राखी बंधन का। तो दोस्तों इस साल मैं अपने बहुत सारे बहनों से राखी नहीं बांध पाया, तो जिसके कारण से उन सभी को मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारा काम आ चुका है मेरा, मतलब जॉब कार्ड का भी काम चल रहा है, ट्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो नहीं जा पाया उनके वहाँ पर। और अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो बस इसी कारण से नहीं जा पाया। तो उन सबको मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। और हैप्पी रक्षाबंधन मेरी प्यारे बहनों और मेरे दीदी सभी को, ठीक है। और सभी लोग अपना ख्याल रखना, अपना और अपने परिवार सभी जो भी है घर पे, मम्मी पापा भाई, उन सब का ख्याल रखना और प्रे करना कि मैं भी ठीक रहूँ। और मैं भी सभी के लिए प्रे करूँगा कि आप सभी भी अच्छे से रहे घर पे, और जो भी आप सबका मनोकामनाएं हैं सभी पूरे हो, और बुरे जितने भी बुरे काले चीज़ें सब आपसे दूर रहे, ठीक है। तो मैं भोले बाबा से प्रे करूंगा कि आप सभी अच्छे से रहें, ठीक है। तो मेरे लिए भी जरूर प्रे कीजिए, ओके। तो बस इतना ही कहना चाहते थे दोस्तों, बस इतना ही था आज का वीडियो। और ये आज का राखी का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। बाकी आज के इस वाले वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे हम अपने अनदर वीडियो पर। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हर महादेव।